फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर टीजे न्यूज में। और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा ऑटो कट ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि स्टेबलाइजर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये तो हो गया आपका काम, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हम डीजे में और साउंड में या लाइव प्रोग्राम में जो अपना सिस्टम लगाते हैं उसको सेफ करने के लिए हमें एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी जो बिजली है, जो अल्ट्रा करंट होता है, वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेट रहे और एम्पियर पूरे निकाले, ताकि हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे और ख़राब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्टेबलाइजर है और स्टेबलाइजर है, और जिस कंपनी का है ये आप देख सकते हैं, प्रोटेक लिखा हुआ है, प्रोटेक कंपनी का है और ये रजिस्टर्ड है। और आपको ये भी चीज़ बता दूं कि इसकी जो बनावट है काफ़ी शानदार तरीके की बनी हुई है। आप देख सकते हैं इधर से शानदार तरीके से ये असेंबल हुआ हुआ है। और इसकी बैक साइड में आप देखेंगे तो आप देखिए, ये 15 एम्पियर के इसमें 6 सॉकेट दे रखे हैं, एक एमसीबी दे रखी है जो कि 20 एम्पियर की एमसीबी है। और इस ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, जो ऑटो कट ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्टेबलाइजर भी इसको बोलते हैं, इसके अंदर लो के लिए और हाई के लिए सारा फंक्शन दिया गया है। अगर हाई लाइट आ रही है तो इसको लो करके हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि जो हम जनरेटर में यूज़ करते हैं, और जनरेटर पे जब हम बेस चलाते हैं या टॉप का लोड डालते हैं तो एम्पलीफायर लोड मानता है, तो इसे लगाने से वो लोड नहीं मानेगा, क्योंकि एम्पियर निकालना इसका काम होता है। जनरेटर एम्पियर नहीं निकालता, वो आउटपुट देता है अपनी एसी की। चलिए देखिए, आपको मैंने इतना बता दिया है, अब इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कितने क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, सर्किट लगा हुआ, क्या सामान लगा हुआ है। और एक बात और बता दूँ, ये 5 KV से लेके 15 KV तक, 10 KV तक, 7.5 KV तक सारे ही इसमें मॉडल मिल जाते हैं। और जो ये, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, फिर इसको टेस्ट भी करा के दिखाऊँगा। चलिए पहले खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है और क्या नहीं। ये मैंने इसकी प्लेट खोल दी है, अब बात करते हैं इसके अंदर की। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सीसी कोर में है और 7 नंबर में है। और इंच की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 इंची में ये मोटाई में है। और रोटर भी कंपनी का लगा हुआ है जो कि अप डाउन करता है। और इसमें ऑन ऑफ स्विच भी आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीके से है। और इसकी एमसीबी देखिए आप कितनी हैवी एमसीबी है, वो भी कंपनी की है। इसमें रिले भी लगी हुई है और आपको मैंने सॉकेट दिखाई दिए हैं, सॉकेट भी ब्रांडेड है इसमें। ये तो बहुत अच्छा है लगा मेरे को। बाकी आपको बता दूँ, इसमें चेक करते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट है और क्या नहीं है। ये वायर इसकी 220 लाइन में मैं इसको लगा रहा हूँ। अब मैं एमसीबी उठाता हूँ पीछे से, ये मैंने एमसीबी उठा दी है। और आप देखेंगे इसमें डिजिटल जो इसका मीटर है, जो वोल्ट वगैरह बताता है, ये भी डिजिटल है। अब मैंने इसको हाई पे कर रखा है, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि एकदम 238 वोल्ट हो गए, यानी कि 50 वोल्ट इसमें एकदम बढ़ चुके हैं। फिर मैं और बढ़ाता हूँ तो ये कट हो गया, आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ हाई वोल्टेज, तो ये अब कट हो चुका है। अब इसकी कोई आउटपुट नहीं चलेगी और आउटपुट से इसको कोई मतलब भी नहीं है। अब हमें ये देखना कि अगर हमारी ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसको कम कैसे करना। तो आप ये लो का स्विच देख रहे हैं जो कि 15 एम्पियर का है, ये इसको मैं ऊपर करता हूँ लो पे, तो आप देखेंगे 203 वोल्ट आ गए। अब मैं इसको और घटाऊँगा तो 185 वोल्ट हो गए, और घटाऊँगा तो 170 वोल्ट हो गए। अब
इसका ये भी फ़ायदा है कि इससे हाई वोल्टेज से भी यूज़ कर सकते हैं, लो पे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्राउंड के लिए है ताकि अगर हम जनरेटर पे यूज़ करते हैं तो हल्की सी जो झंझनाहट सी आती है वो इससे नहीं आएगी। और रोटरी की बात करें तो आप देख सकते हैं रोटरी भी ये कंपनी का लगा हुआ है, विल्सन का। और आपको ये बता दूँ जो इसके ये रोटरी है, ये 35 एम्पीयर का रोटरी है, और इसका जो मॉडल है वो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इस पर आपको मॉडल नंबर और कितने वाट का है, कितने वोल्ट से ऑपरेट है, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। 220 से ऑपरेट होता है और 100 से 220 वोल्ट बना सकता है। तो ये स्टेबलाइजर जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी इसकी जो एम्पियर है वो भी अच्छे हैं, और जो इसकी बनावट है ये भी बहुत अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। बाय।